हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगी। सो फ्रेंड्स, क्या आप सभी लोगों को भी फार्मिंग गेम्स खेलना पसंद है? बिल्कुल मेरी तरह। क्या आप सभी लोगों को भी एकदम हाई ग्राफिक्स वाली फार्मिंग गेम्स चाहिए? क्या आप सभी लोगों को भी उनके अंदर गेम्स के अंदर बढ़िया ग्राफिक और ढेर सारे व्हीकल्स हो, कुछ वैसी गेम चाहिए, बट आप सभी लोगों को मिल नहीं रही है और आप सभी लोग कन्फ्यूज हो कि मैं कौन सी गेम डाउनलोड करूँ? तो टेंशन मत लीजिए, आज मैं आप सभी लोगों की इसी कन्फ्यूजन को दूर करने आया हूँ। पहले भी मैं ऑलरेडी इसी टॉपिक पर 3 वीडियो बना चुका हूँ, बट उसमें से जो एक वीडियो है उस पर कॉपीराइट इशू की वजह से जो है मेरी जब मैंने कॉपीराइट इशू आया उस पर, तो मैंने जो कॉपीराइट म्यूजिक हटवाया तो उस वजह से वॉइस में दिक्कत आ गई, तो उस वजह से जो है ना लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए अब मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक बार दोबारा से वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए अब मैं इस टॉपिक पर एक बार फिर से जो है वीडियो बना रहा हूँ। और अब आप सभी लोगों को जो है अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो सभी की सभी फार्मिंग गेम्स है उनके बारे में, और आपको कौन सा डाउनलोड करना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा आपके डिवाइस के लिए बेस्ट होगा, कौन सा नहीं, वो सभी के सभी आज मैं इस वीडियो के अंदर आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 फार्मिंग गेम्स फॉर एंड्रॉइड और iOS। तो चलिए गाइस करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। ओके गाइस, जो हमारे 10th नंबर पे गेम गाइस, उस गेम का नाम है फार्मर सिम 2015। अभी आप सभी लोग बोलोगे कि ये गेम एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल नहीं है, बट गाइस ये गेम एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है। बट आप करना क्या है, आप सभी लोगों को ना इसको गूगल से डाउनलोड कर लेना है, इजीली आपका जो डाउनलोड हो जाएगा गूगल से। OBLX की तरफ से गेम जो है ऑफिशियली लॉन्च किया गया है, और नाम मैं फिर से बता दूँ, फार्मिंग सिम 2015 है, फार्मर सिम 2015 है OBLX की तरफ से। इस गेम के अंदर जो आपको 50+ व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप इजीली फार्मिंग कर सकते हो, लो एंड डिवाइस में भी गेम इजीली वर्क कर जाएगा, ग्राफिक भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मतलब ज़्यादा बातें करके, क्योंकि 10 गेम होने वाले तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को छोटा ही रखूँगा मैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो चलिए बढ़ते हमारे नंबर 9th गेम की तरफ। ओके गाइस, लिस्ट में नंबर 9th पे गेम गाइस, उस गेम का नाम है फार्मिंग यूएसए 2। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेम है, प्ले स्टोर पर आपको गेम अवेलेबल हो जाएगा, प्ले स्टोर पर आपको ये गेम पूरी तरीके से पेड अवेलेबल होने वाला है, बट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसको गेम को। तो आप सभी लोगों को डाउनलोड लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ? हाँ, और पेड वाला भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, गेम के अंदर जो आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, पेड है गेम तो ठीक है, मैं मानता हूँ गेम पेड है, बट ग्राफिक्स भी उतने अच्छे देखने को मिल जाएंगे आपको, और साथ में इसके अंदर वेदर कंडीशन भी चेंज होती रहती है, जैसे डे नाइट का सर्कल भी चलता है, डे नाइट भी होगा, वेदर कंडीशन भी चेंज होगी, साथ में आप अपनी ग्राफिक्स क्वालिटी को अपने डिवाइस के हिसाब से इंप्रूव भी कर सकते हो और डिस्क्रीज भी कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो वैसे सब कर सकते हो। आपको इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, और बहुत सारे इसके अंदर जो है आपको फार्मिंग के व्हीकल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, और आप एनिमल्स को भी अपना पेट बना सकते हो, जैसे कि काऊ भी रख सकते हो, कुछ भी जो आप एनिमल्स चाहो जो इस गेम के अंदर अवेलेबल है वो सब आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आप इजीली इस गेम के अंदर जब आप फार्मिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, आप सभी लोग जरूर ट्राई कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलेगा जब बढ़ते हैं हमारे नंबर 8th गेम की तरफ। ओके, जो लिस्ट में नंबर हमारा 8th पे गेम का है, इस गेम का नाम है फार्मिंग प्रो 3। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेम है, इस गेम के अंदर जो है काफ़ी अच्छे ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, और जितने अच्छे ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं उतने ठीक ठाक इसके रुपेज देखने को मिल जाते हैं, 520 रुपये का आपको गेम अवेलेबल होगा, बट आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से जाकर इजीली फ्री में, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना जिसको भी प्ले करना। और इस गेम के अंदर आपको मल्टीप्लेयर मोड भी अवेलेबल हो जाता है, जो कि अब तक फार्मिंग सिम्युलेटर 20 में अवेलेबल नहीं हुआ है, वो इस गेम के अंदर जो है मल्टीप्लेयर मोड अवेलेबल हो जाता है, आप इजीली अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। गेम की ग्राफिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर व्हीकल्स हैं, मैंने खुद ट्राई किया, ग्राफिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और रियलिस्टिक वेदर कंडीशन भी इसके अंदर चेंज होती रहती है, डे नाइट का सर्कल भी चलता है, और आपका करेक्टर जो है व्हीकल से नीचे उतर कर भी मूव करता है, गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, आप सभी लोग जरूर ट्राई कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 7th गेम की तरफ। ओके गाइस, जो हमारे 7th नंबर पे गेम है गाइस, उस गेम का नाम है फार्मिंग मास्टर 3D। तो ये भी एक अमेजिंग गेम है गाइस, इस गेम के अंदर भी आपको जो है 3D ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे इस गेम के ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे, लो एंड डिवाइस के लिए गेम एकदम परफेक्ट होने वाला है, 1GB 2GB रैम के लिए गेम एकदम परफेक्ट होने वाला है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ट्यूटोरियल देंगे, बाद में आप इजीली आप गेम को प्ले भी कर पाओगे। और इस गेम के अंदर जो है आपको जो है फार्मिंग के व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक हार्वेस्टर, ट्रक, और जो भी इसके अंदर व्हीकल्स होते हैं, लाइक मैं बता देता हूँ आपको, ट्रैक्टर, ट्रक और भी जो फार्मिंग के व्हीकल्स हैं वो सब आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में आप इसके अंदर व्हीट, कॉर्न, पोटैटोस, बीन्स और मैनी मोर जो है आप सभी लोग जो इसके अंदर क्रॉप्स उगा सकते हो, और साथ में आपको इसका
इसके अंदर 3D ग्राफिक्स तो अवेलेबल होंगे ही। और भाई वैसे देखा जाए तो गेम ना लो एंड डिवाइस के लिए ठीक ठाक है, मतलब कि आपको ट्रैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि है ना फार्मिंग के गेम बहुत ही ज़्यादा कम अवेलेबल है प्ले स्टोर पर इस तरीके के, जिनके अंदर आपको फार्मिंग के व्हीकल्स अवेलेबल हो, बहुत ही ज़्यादा कम जो है गेम्स अवेलेबल है। और अवेलेबल्स है तो उनके ग्राफिक इतने अच्छे नहीं है, बट इस गेम के आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक देखने को मिल जाएंगे, आप इजीली जो है इस गेम को लो एंड डिवाइस वाले ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 6 गेम की तरफ। ओके गाइस, जो 6 नंबर पे गेम है गाइस, उस गेम का नाम है FS14। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गेम है। इस गेम के अंदर जो आपको मल्टीप्लेयर मोड अवेलेबल हो जाएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट करके भी इस गेम को प्ले कर सकते हो। और इस गेम के अंदर जो आपको ढेर सारे व्हीकल्स फार्मिंग के व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रक और उनके साथ जो जो अटैचमेंट होती है वो सब आपका अवेलेबल हो जाएंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगा सकते हो, ग्रास उगा सकते हो, उनसे हे बेल्स बना सकते हो। और आप इसके अंदर जो है एनिमल्स को भी रख सकते हो, जिससे कि जैसे कि भेड़ बकरी को रखना या गोट सीप जो भी है आप सभी लोग रख सकते हो, उनको उनको बेच के आना वूल को, और जो काउज रखोगे तो उनके मिल्क को सेल करना, ये सब आप इसके अंदर कर सकते हो। गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, आप सभी लोग जरूर ट्राई कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लो एंड डिवाइस के लिए ये गेम है, आप सभी लोग ट्राई कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 5 गेम की तरफ, और लास्ट में होने वाला एक और अमेजिंग गेम, तो उसके लिए वीडियो पर रुके रहना। ओके चलिए नंबर 5 पे गेम गाइस, उस गेम का नाम है FS16। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गेम है। इस गेम के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, लो एंड डिवाइस के लिए गेम एकदम परफेक्ट है। इस गेम के अंदर जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स वाले हो जाएंगे, लाइक फार्मिंग के जो भी आप इसके अंदर फार्मिंग के अंदर देख सकते हो, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, आप सभी लोग वही बातें बोल रहे हैं, तो फार्मिंग के अंदर तो गाइस सभी वही बातें आने वाली है। मतलब कि अभी इसके अंदर आप जो 5 डिफरेंट क्रॉप्स भी उगा सकते हो, और लोकल मल्टीप्लेयर आप प्ले कर सकते हो, यानी कि अगर आपके आसपास में कोई फ्रेंड रहता है तो आप उसके साथ इस गेम को प्ले कर सकते हो ईजिली वाईफाई और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके। और इसके अंदर आप जो इसके अंदर भी आप जो है एनिमल्स को रख सकते हो अपने पास, मतलब कि उन्हें ब्रीड करवाना है जो सब करवा के आप उनको बेच भी आ सकते हो, लेके आ सकते हो। और जो इसके अंदर जितने भी व्हीकल्स होंगे उनकी सबके अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाएगी। गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, आप सभी लोग जरूर ट्राई कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 4 गेम की तरफ। ओके गाइस, जो हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे गेम गाइस, उस गेम का नाम है FS14। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग गेम है। इस गेम के अंदर आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे फार्मिंग के, लाइक ट्रैक्टर, ट्रक, हार्वेस्टर, और भी इसके अंदर जो आपको व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक कार्स भी इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे जिनको कि आप ड्राइव कर सकते हो, पिकअप टाइप की, मतलब लोडिंग वाली, जिसके अंदर जिसके पीछे आप जो है किसी भी जो भी ट्रेलर वेलर को अटैच करके ले जा सकते हो, वैसी कार्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। और साथ में आपको इस गेम के अंदर काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। मैं खुद रिकमेंड करूँगा इस गेम को कि आप एक बार जरूर से ट्राई कर लेना। गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और 50+ व्हीकल्स आपको इसके अंदर अवेलेबल होने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा अपन वाले मैप अवेलेबल हो जाएगा जिसको कि आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 गेम की तरफ। ओके गाइस, जो लिस्ट में नंबर 3 पे गेम गाइस, उस गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा PC और एंड्रॉइड और iOS तीनों के लिए अवेलेबल। PC के लिए जो आप इसको प्ले करोगे तो आपको देखने को डाउनलोड करना पड़ेगा माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, और मोबाइल के लिए पॉकेट एडिशन। गेम पूरे तरीके से प्रीमियम होने वाले, 650 रुपये गेम का साइज होने वाला है, बट मेरे टेलीग्राम से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये एक फार्मिंग गेम तो नहीं है, बट आप इसके अंदर फार्मिंग भी कर सकते हो अपना सर्वाइव करने के लिए। एक सर्वाइवल गेम है, इसके अंदर जो है आपको एक आइलैंड पर सर्वाइव करना होता है, और आइलैंड इतना बड़ा है कि आप जो है गेम को खेलते खेलते थक जाओगे, बट ये एंड नहीं होगा। मतलब कि ऐसा लगा लो कि ये अनलिमिटेड है, मतलब वर्ल्ड पूरा अनलिमिटेड, आप जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर जा सकते हो और फार्मिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और आपको जो है अपनी सर्वाइव करना होता है यहाँ पे, और रात को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज़ॉम्बीज आते हैं और उनसे बचना होता है और सर्वाइव करना होता है। यानी कि समझ लो आप इसके अंदर ब्रीड भी करवा सकते हो, एनिमल्स को भी रख सकते हो, जो आप फार्मिंग करने का वो भी कर सकते हो, और लास्ट में आपको जो है एंड्रॉइड ड्रैगन नाम के एक एंड्रॉइड ड्रैगन को मारना होता है, जिससे गेम हो जाता है एंड। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 गेम की तरफ। ओके, तो लिस्ट में नंबर 2 पे गेम गाइस, उस गेम का नाम है फार्मर सिम 2018। तो ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इस गेम को भी OVI लैक्स की तरफ से जो है ऑफिशियली लॉन्च किया गया था प्ले स्टोर पर, और जो कि अभी भी ये गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल था 2 साल पहले, बट अभी ये गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। इसको गूगल से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आप जगह डाउनलोड हो जाएगा, पहले भी गेम फ्री में ही था। और इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप फार्मिंग के व्हीकल्स, वही बात है, जितने फार्मिंग के व्हीकल्स होते हैं वही सब आपको इस गेम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ में आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, डे नाइट का सर्कल भी चलता है, और इसके अंदर आप वुड भी कट कर सकते हो, वो सब आप कट भी कर सकते हो, और इसके अंदर जो है ग्राफिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। चलो बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 गेम की तरफ। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के फाइनल गेम की तरफ, यानी कि वीडियो के सबसे 1 गेम की तरफ।
तो इस गेम का नाम है FS20। आप सभी लोग जानते होंगे इस गेम के बारे में, और जो कि ये गेम सभी के सभी डिवाइस के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये मतलब कि हाई एंड डिवाइस पे ही वर्क करता है, 4GB रैम वाले पे वर्क कर जाएगा, 3GB रैम का मैं कुछ नहीं बात कर सकता, मतलब कि कंफर्टेबल तो हो जाएगा बट शायद आपका जो है लैग करेगा बहुत ज़्यादा लो ग्राफिक्स में भी। मेरे डिवाइस में ही बहुत ही ज़्यादा लैग करता है, तो मतलब कि मीडियम पे करके अच्छे से खेल लेता हूँ, बट अब तो वो भी नहीं चल रहा क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुके हैं मेरे डिवाइस पे, तो चल नहीं रहा है। तो गेम के बारे में बता दो, इसके अंदर जो है आपको हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप हॉर्स भी ला सकते हो और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और एनिमल्स भी ला सकते हो। और इसके अंदर ग्राफिक्स क्वालिटी तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है इस गेम के अंदर जो ग्राफिक्स क्वालिटी, और इतने सारे गाइस इसके अंदर इतने सारे फार्मिंग के व्हीकल्स है कि मैं क्या ही बताऊँ, और ग्राफिक क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार। मेरे को गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सभी लोग भी जरूर ट्राई कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइस ये थी आज की हमारी 10 बेस्ट फार्मिंग गेम। आई होप आप सभी लोगों को कोई ना कोई गेम पसंद आई हो, गेम पसंद वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।